compliance is a cost, but governance is a value. So governance actually creates a value of any corporate. So these are few things. मजा आ गया ये लाइन सुन के, और इसलिए मैं इस पर आपसे बातचीत करना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है आई थिंक कि कॉम्प्लायंस कॉस्ट हो सकती है बट गवर्नेंस कॉस्ट नहीं है. ठीक है, तो ये एक जो स्टेटमेंट है ये एक माइंडसेट दिखाता है, ये एक एटीट्यूड दिखाता है कि प्रेसिडेंट कहाँ लेके जाना चाहते हैं प्रोफेशन को. और बहुत ही मैं बता रहा हूँ पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इसका. यस इमीडिएटली तो नहीं होगा बट यस कुछ सालों बाद आई थिंक बहुत माइंडसेट शिफ्ट होगा, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी को हमेशा कॉम्प्लायंस 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 के हिसाब से देखा गया है. और कॉम्प्लायंस मतलब मिलता तो कुछ नहीं, सेल तो नहीं बढ़ती, तो रेवेन्यू एंगल से कभी कॉम्प्लायंस को देखा ही नहीं गया है. और इसीलिए अब मुझे लगता है जब आप उसको वैल्यू से कनेक्ट कर लेते हो, जब आप उसको वैल्यू से कनेक्ट कर लेते हो तो अब उसको मुझे लगता है बहुत ही पॉजिटिव वे में देखा जाएगा और बहुत ग्रोथ होगी प्रोफेशन की. तो आई जस्ट मुझे इस लाइन सुन के बहुत अच्छा लगा ऑनेस्टली. और गवर्नेंस प्रोफेशनल ये वर्ड तो काफ़ी समय से है, बट जब एक प्लेटफॉर्म पे ICSF प्रेसिडेंट ये लाइन कहते हैं बहुत फर्क पड़ता है इससे. ठीक है, और जब आप पोर्ट्रे कर रहे हो 2013 कंपनीज एक्ट के बाद ये पोर्ट्रेल जब से स्टार्ट हुआ है गवर्नेंस प्रोफेशनल, आई थिंक बहुत वेलकम स्टेप है. और जितने भी बच्चे CS कर रहे हैं आई थिंक पॉजिटिव फील करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी नेगेटिविटी कुछ लोग फैलाते रहते हैं. बट आई थिंक दिस इज समथिंग कि आप इसको चेरिश करो, ये बहुत पॉजिटिव सिग्नल है प्रोफेशन के लिए. और मैं जस्ट चाहता हूँ कि इससे पॉजिटिविटी जनरेट हो और आप खुश रहें कि आप एक अच्छा प्रोफेशन आपने चूज़ किया है, इसका स्कोप बहुत अच्छा है, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है. और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो फालतू लोग आपकी सलाह देते हैं जो पुराना बहुत उनका कुछ एक्सपीरियंस है या उनका जो पर्सनल इश्यूज हैं वो जनरलाइज कर लेते हैं पूरे प्रोफेशन के लिए. तो ये हो रहा था अभी तक, बट आई थिंक ये लाइन सुन के मेरा तो मतलब दिल बहुत खुश हो गया है. आई जस्ट होप कि आपका भी दिल खुश हो जाए और आप पॉजिटिवली अपने प्रोफेशन को देखें, पॉजिटिवली उसमें काम करें और एक वैल्यू एडिशन बने प्रोफेशन के लिए. फायदा ले नहीं, फायदा दें, तभी प्रोफेशन ग्रो होता है. यहां लोग सब फायदा लेने के लिए बैठे हैं, मैं CS बनूं और मेरे को ये फायदा हो. अरे यार ये कब तक सोचोगे, मैं CS बनूंगा और प्रोफेशन की वैल्यू एड करूंगा, ये कब सोचोगे, समझ रहे हो? तो ऐसा भी हो सकता है. तो इस लेवल पे भी आप सोच सकते हो कि नहीं मैं CS बनूंगा और मैं प्रोफेशन का नाम रोशन करूंगा, मैं प्रोफेशन को आगे लेके जाऊंगा, ये भी कर सकते हो. ठीक है, तो एंजॉय दिस लाइन. ठीक है, ये लाइन दिमाग में बिठा लो और जब भी नेगेटिव थॉट्स आए, क्योंकि देखो ये वेव है, ये आते रहती है, नेगेटिविटी की एक वेव आपको दिखेगी. जब आप कोई बच्चा पैनिक मोड में है, जब उसके साथ कुछ बुरा होता है या वो बुरा सुनता है तो आगे उसको पास ऑन करता है, नेगेटिविटी बहुत जल्दी फैलती है. तो मैं चाहता हूँ पॉजिटिविटी उससे ज़्यादा तेज पहुँचे आप तक. ठीक है, उसको मैं फैलाना चाहता हूँ. इस टाइप में वीडियो कभी निकालता नहीं हूँ बट आई जस्ट वॉन्ट कि पॉजिटिविटी भी लोग उसी शिद्दत से फैलाएं जिस शिद्दत से लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं. और आई जस्ट वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ द पॉजिटिविटी फैक्टर. और ये बहुत पॉजिटिव लाइन है, आई थिंक आपके जहन में ये होनी चाहिए. जब तक आप CS प्रोफेशन से जुड़े हुए हो, कोई भी कैपेसिटी में आप जुड़े हुए हो, आपको ये लाइन ज़रूर पसंद आएगी और आपका दिल ज़रूर खुश होगा. थैंक यू सो मच.